सीएम सिटी के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ पर अब कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। आपको बता दें कि करनाल में अब पॉजिटिव केसों की संख्या 3% रह गई है, तो वहीं रिकवरी रेट 96% पहुंच गया है। लेकिन आपको सावधान कर दें कि इसको हल्के में ना लें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से निपटने के लिए जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उनका पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में वह एक बार फिर से उसी तरह से दस्तक दे सकता है जैसे पहले दी थी। यदि आम आदमी जागरूक रहेगा तो कोरोना शीघ्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के लिए कोरोना के साथ साथ चिंता का विषय डेंगू भी बन गया है। अब तक करनाल जिले में डेंगू के 35 मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने की है। आपको बता दें कि डेंगू मच्छर जनित बीमारी है, यह साफ पानी में फैलता है। करनाल जिले में स्वास्थ्य विभाग की 6 टीमें इसकी रोकथाम के लिए जुटी हैं। समाचार एक्सप्रेस के साथ विशेष बातचीत में सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने बताया कि किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें। कोरोना को खासकर युवा वर्ग हल्के में ले रहा है। अक्सर देखने में आ रहा है कि वह बिना मास्क के ही आ जा रहे हैं। उनको लगता है कि वह इस बीमारी से दूर हैं, लेकिन युवा वर्ग इस बात का ध्यान रखे कि वह संक्रमित होकर अपने घर में उपहार स्वरूप इस बीमारी को अपने घर के दूसरे सदस्यों को भी दे सकता है। इसलिए सजग रहना अति आवश्यक है। डेंगू को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक जिले में 35 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू से कैसे निपटा जाए इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। 6 टीमें दिन रात काम कर रही हैं। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि अब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, बाजारों में भी आना जाना शुरू हो गया है। जो भी लोग बाजार आ जा रहे हैं वह कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाकर खरीदारी के लिए जाएं, ताकि इस वैश्विक बीमारी की चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस दौरान खाद्य विभाग द्वारा जगह जगह दुकानों पर छापेमारी कर सैंपलिंग की जा रही है। जो भी दुकानदार मुनाफे के चक्कर में दूसरे लोगों के जीवन से खिलवाड़ करेगा उनके लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान है। खाद्य विभाग द्वारा कई जगह से सैंपल लिए गए हैं और जिन स्थानों पर सामान खराब मिला है उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। इसलिए आम जनता से भी उनका आग्रह है कि वह खरीदारी करते समय हर चीज़ का ध्यान रखें, ताकि वह किसी बीमारी की चपेट में ना आ सके। कोरोना और डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग सदैव तत्पर है, लेकिन उसमें जनता का सहयोग अति अनिवार्य है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और अभी समय दिख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस से जहां पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन उसके सबके मद्देनज़र भारत के लिए और करनाल के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि यहां पर जो केसेस हैं वो दिन ब दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, उनका पॉजिटिव रेट भी कम होता जा रहा है, और जबकि रिकवरी रेट 96 के आसपास पहुँच चुका है। यह स्वास्थ्य विभाग की हम लोग उनका प्रयास कहें या सामान्य लोग जो आम लोग हैं उनकी जागरूकता कहें या उनकी सजगता कहें या फिर उनके द्वारा अपनाए गए स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का कहें, इसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रयास किए वो बड़े सराहनीय हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, सबसे पहले आपको इस बात की भी बधाई हो कि करनाल में जो रिकवरी रेट है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और जो पॉजिटिव रेट है वो डे बाय डे घटता जा रहा है। इसके लिए आप किसको मानते हैं, किसका योगदान महत्वपूर्ण मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे केसेस बहुत कम हुए हैं और धीरे धीरे हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग अब 3-4% आ गया, जो कि किसी टाइम पे 20% तक टच कर गया था, और पॉजिटिविटी और रिकवरी रेट हमारा 96% से ऊपर हो रहा है। इसके लिए ऑफकोर्स जो हमारी करनाल की जनता है जो पूरी सजग है और सावधानी बरती है, उसका भी एक बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जहाँ तक संभव हो पाया है अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग करके इसको पेशेंट्स को जो पॉजिटिव आते हैं उनको आइसोलेट किया जाए, और जिनको हमने होम आइसोलेशन में रखा है स्वास्थ्य विभाग की टीम्स ने उनको होम विज़िट करके उनको लगातार टेलीफोन के साथ संपर्क करके जहाँ तक पॉसिबल हुआ है पेशेंट को हम उनको केयर करने की कोशिश की है। सर, इससे पहले जैसे जो कोई भी पेशेंट अगर
कोविड 19 से संक्रमित पाया जाता था तो उसके घर के बाहर बाकायदा एक पोस्टर चिपका दिया जाता है, लेकिन अब गाइडलाइंस के अनुसार वो पोस्टर भी लगाना बंद है और जो लगे हैं उनको भी उतार दिया गया है। लेकिन उससे पहले जब लगाया जाता था तो उस घर को या उस घर के सदस्यों को एक अजीब तरीके से पड़ोसी देखते थे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना कोई ऐसी कोई बीमारी तो है नहीं? ये बिल्कुल सही बात है। इसी के मद्देनज़र गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीज़न लिया गया था कि अब वो पोस्टर्स नहीं लगाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको सोशल स्टिग्मा के साथ जोड़ के देखते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये एक संक्रमित होने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम सावधानी प्रॉपर बरतें, जो सिंपल सिंपल सावधानियां हैं, मास्क का प्रॉपर उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लगातार अपने हैंड वॉश करते रहें, तो हम इससे बच सकते हैं। और किसी व्यक्ति को जिसको ये प्रॉब्लम दिक्कत हो जाती है तो उससे दूर भागने वाली ऐसा सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव किया। उसकी केयर करना स्वास्थ्य विभाग का कर्तव्य है और हमारे द्वारा की जाती है। और जहाँ अगर अर्ली डायग्नोसिस हो तो बहुत अच्छा रिकवरी रेट भी है। केवल उन पेशेंट्स को जहाँ पे कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो डायबिटिक के हैं, हाइपरटेंसिव हैं या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उन पेशेंट्स में ये कहीं सीवियर रूप ले लेती है। परंतु फिर भी हमें जितना सावधान रहेंगे, जितना बचेंगे, उतना ज़्यादा बेटर। कोरोना से संक्रमित पीड़ित सोशल स्टिग्मा का शिकार ना हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया कि उनके घर के बाहर कोई ऐसा पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, जिनका अगर लगा हुआ है तो वो भी उतार दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर देखने में आ रहा था कि जिस घर में कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता था, अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर आने जाने से कतराने लगे थे, जिससे कि वो जो बीमार व्यक्ति था वो और डीमोरलाइज हो रहा था। वो डीमोरलाइज ना हो, उसको मोटिवेशन मिल सके, उसको एक्स्ट्रा केयर मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनके घर के बाहर भी नहीं लगाया जाएगा, ताकि पहचान ही ना हो पाए और वो अपने घर में रहेगा, होम आइसोलेट रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार उस मरीज से संपर्क में रहती हैं, उनके घर में फ़ोन करके बकायदा उनकी दवा, उनके उपचार। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पिछले हमने आपको बताया था कि IMA ने किस तरह से एक सराहनीय प्रयास शुरू किया है कि वो अपने स्तर पर, जिसमें करनाल के सिविल सर्जन के अलावा और ज़िले के कई नोडल अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी उन्होंने बना रखा है, जिसमें ये प्रतिदिन कुछ मरीज जो कि फ़ोन पर इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सर, ये प्रयास बड़ा ही सराहनीय रहा IMA करनाल की तरफ से और आप लोगों के सहयोग से। सर, इसके लिए हम समाचार एक्सप्रेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे प्रयास लगातार जारी रहें। सर, इसके मैं ये जानना चाह रहा था, कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा, उसके बाद भी क्या ऐसा प्रयास रहेगा कि ये जो गरीब पेशेंट है वो फ़ोन पर कंसल्टेशन कर सकता है डॉक्टर्स के साथ? नहीं, देखिए, ये तो इस परिस्थिति में तो ये किया ही गया है, ये आगे भी हमारा प्रयास ऐसा रहे। और गवर्नमेंट की तरफ से एक संजीवनी ऐप भी बनाई गई है, और संजीवनी ऐप टेली कंसल्टेशन बेस्ड ही है। उसमें बहुत से जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, जो उन्होंने उसमें रजिस्टर कराया गया है पेशेंट, उसमें संजीवनी ऐप में अपने आप को रजिस्टर करके उसके एक टाइम स्लॉट के अंदर टेलीफोनिकली जो है उसके थ्रू अपने टेली कंसल्टेशन कर सकता है, और उसकी प्रिस्क्रिप्शन हर जगह पे मान्य है। देखिए, किस तरह से इन्होंने आज हमें बहुत अच्छी बात बताई कि गवर्नमेंट ने संजीवनी ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर सरकारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर उसके अंदर रजिस्टर्ड है। अगर कोई भी मरीज समय के अनुसार या आप समय को देखते हुए अपनी बीमारी के बारे में अगर जानकारी हासिल करना चाहता है तो वो डॉक्टर से टेलीफोनिकली टेली कंसल्टेशन कर सकता है। ये संजीवनी ऐप है, मैं आपको फिर बता दूँ, संजीवनी ऐप है, हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है। और अपने स्तर पर अगर वो कोई जानकारी हासिल करना चाहता है, अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से संपर्क करना चाहता है, तो वो डॉक्टर से जानकारी हासिल कर सकता है। इसके लिए बकायदा विशेषज्ञ डॉक्टरों को किया गया। डॉक्टर साहब, अब कोरोना के बाद हम बात करते हैं डेंगू की। सर, डेंगू के कितने केस अब जिले में आ चुके हैं? आज तक 35 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये अभी हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय है कि जहाँ पे कोरोना की महामारी चल रही है उसके साथ में डेंगू की केसेस होना इसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। तो इसमें विभाग की टीम जो है हर जगह पे रूरल में, अर्बन में लगी हुई हैं, जो डोर टू डोर जाके सर्वेलेंस करती हैं, और जहाँ पानी एकत्रित होता है उनको नोटिसेस भी दिए जाते हैं। अगर बार बार उल्लंघना होती है तो नोटिस दे रहे हैं। लगभग 6 टीम है और हर टीम में 6 सदस्य हैं जो करनाल सिटी में इसको कर रहे हैं, देख रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में जो हमारे नागरिक हैं उनको भी इसमें अपनी योगदान देना चाहिए। अब इतने सालों से हम डेंगू को देख रहे हैं, इसके बारे में बताया भी जा रहा है कि अपने घर के आसपास बिल्कुल पानी इकट्ठा ना होने दें, घर की छतों पे,
अपने फ्लावर पॉट्स के अंदर, कूलर्स के अंदर, फ्रिज की नीचे जो पानी का है उसको उसको साफ़ करते रहें, और संडे को एक ड्राई डे के रूप में मनाएं कि कहीं भी पानी जो है सभी चीज़ों को ड्राई कर दें, तभी हमें सभी मिलके जब कार्य करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। सर, डेंगू के जैसे 35 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, वो सारे के सारे नॉर्मल हैं या किसी को कोई दिक्कत में है? ऐसा नहीं, तो पेशेंट कोई ऐसी इसमें कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स केसेस आए हैं और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से आए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। पिछले साल कंपैरेटिवली थोड़े कम थे इससे, लेकिन इस वक्त केसेस का कहीं आना हमारे लिए चिंता का विषय है। तो सर, अब मलेरिया का क्या स्टेटस है अभी तक? मलेरिया के काफ़ी कम केसेस हैं इस वक्त। इन्होंने हमें बताया कि करनाल में अभी तक 35 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें लेकिन इसको रोकने के लिए करनाल जिले में स्वास्थ्य विभाग की 6 टीमें लगातार कार्य कर रही है। 6 टीमों में 6, प्रत्येक टीम में 6 सदस्य हैं, वो डोर टू डोर जाकर लोगों को समझा रही है। इसके अलावा इन्होंने अपील भी की है, इन्होंने आग्रह भी किया है आम जनता से कि वो भी सजग रहे, क्योंकि डेंगू जो फैलता है वो साफ पानी में फैलता है, डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में फैलता है, इसलिए अपने घर के आसपास साफ या गंदा पानी ना जमा होने दें। और संडे को प्रत्येक रविवार को ड्राई डे के रूप में मनाएं। ड्राई डे के रूप में मनाने का मतलब कि अपने घर के आसपास जमा हर पानी, जमा हर तरह के प्रकार, किस भी तरह के प्रकार का जो भी पानी है, साफ है या गंदा है, उसे बिल्कुल साफ कर दें, वहाँ पर ना जमा होने दें, क्योंकि वो डे बाई दिन में भी काटता है और साफ पानी में जमा होता है। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, जो आपने WHO को जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार हमने कहीं पर हमें जानकारी ने बताया था कि अब इसका जो है वो लोग्राफ आ गया है, लेकिन इसकी जो सेकंड फेज आएगा उसमें, इसका जो सेकंड वेव आएगा उसमें कहीं ना कहीं ये एक इतनी तेज़ी से नहीं फैलेगा, लेकिन एक बारी ये अपना अटैक जरूर करेगा या फिर दोबारा से एक बारी दस्तक जरूर देगा। आपका क्या कहना है कि हाँ, इस जो गाइडलाइंस है इसमें कुछ है या सेकंड वेव आने के चांसेस हैं? देखिए, ये सभी जो करी जा रही हैं, बताया जा रहा है WHO की तरफ से भी है और बाकी देशों का जो एक्सपीरियंस भी कहता है कि एक बार डाउन आने के बाद एक सेकेंड वेव डेफिनेटली आती है, और स्पेशली जब जो विंटर सेशन आगे, विंटर आ रही है आगे, उस सीज़न में इसके आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। विंटर सीज़न में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग कम यूज़ करी जाती है, और वैसे भी हम जैसे ओपन हो रहे हैं, सभी मार्केट्स वगैरह सारी चीज़ें ओपन हुई हैं, तो लोग भी बाहर निकल रहे हैं, तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अभी हमें सावधानी और ज़्यादा बरतनी है। विंटर सीजन में सेकेंड वेव की आने की पूरी संभावना है, तो इसलिए सावधानी बरते हुए, और वही तीन हमारे जो मेन इसमें हैं कि अपना मास्क प्रॉपर पहन के रखें, नाक और मुंह ढक के, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग। मैं आपको फिर बता दूं, इन्होंने भी बताया कि विंटर सीजन में कोरोना का सेकेंड वेव आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर हम सावधानी बरतेंगे और जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उनकी पालना करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इनसे बच सकते हैं। सर, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि जो आज की जो यंग जनरेशन है, हमने वो देखा कि उनके मन से कहीं ना कहीं कोरोना का जो भय है वो खत्म होता जा रहा है। नॉर्मली हम सड़कों पर शाम को लोगों को देखते हैं, किसी ने मास्क डाला हुआ है, किसी ने नहीं डाला हुआ, किसी ने डाला हुआ तो आधा अधूरा डाला हुआ है, तो ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहिए? ये हम बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारी यंगर जनरेशन, जो यंग लोग हैं, स्पेशली टीनेजर्स और अर्ली 20s 30s के, वो उनको ये शायद लगता है कि हमारे पे इस प्रॉब्लम का कोई असर नहीं है या उनके ऊपर इसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जब हम खुद संक्रमित होकर घर में जाते हैं तो घर में हमारे पेरेंट्स हैं, जिन जो जो हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं, या और हमारे सीनियर फैमिली मेम्बर्स हैं जो किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज़ को हम कहते हैं, डायबिटीज़ है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं अगर हम खुद उसमें सीरियस प्रॉब्लम में ना भी हों तो हम उनको ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, और उसके कारण उनके लिए ये बीमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। लेकिन इन्होंने हमें जानकारी दी कि कुछ युवक, हम नॉर्मली देखने में आ रहा है कि युवकों के मन से अब कोरोना का भय खत्म होता जा रहा है, उनको ऐसा लगने लग गया कि कोरोना उनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो यह भूल रहे हैं कि अगर वो संक्रमित होकर घर जाते हैं तो घर में उनके बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो संक्रमित हो ना हो लेकिन वो बीमारी से वो एक उपहार के स्वरूप में अपने घर के किसी सदस्य को बीमारी दे सकते हैं, इसलिए वो इस तरह की कोताही ना बरतें। डॉक्टर योगेश शर्मा बार बार अपील भी कर रहे हैं, बार बार आग्रह भी कर रहे हैं, बार बार निवेदन भी कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि कोरोना
कम जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना का वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए इससे बचाव के लिए अधिक जरूरत है। डॉक्टर साहब, अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया, बाजारों में रश भी होना शुरू हो गया, इसमें क्या है सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही है, खाद्य विभाग द्वारा ताबड़तोड़ सैंपलिंग की जा रही है, जब से कुट्टू के आटे से बीमार होने की खबरें सामने आई उसके बाद खाद्य विभाग द्वारा ताबड़तोड़ लगातार की जा रही है। सर, ऐसे लोग जिनके सैंपल फेल आते हैं, जिन दुकानदारों के सैंपल फेल, सर उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए कैसी कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए, खाद्य विभाग से जब सैंपल कोई भी ऐसा दो तरह से आता है, एक तो सब स्टैंडर्ड होता है और एक जिसमें बिल्कुल ख़राब होता है। सब स्टैंडर्ड में उसकी कार्रवाई जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहाँ पे उसके ऊपर फाइन वगैरह का प्रावधान है, और अगर वो दूसरा फेल आता है सैंपल तो उसके लिए तो FIR और उसके कोर्ट में केसेस चलते हैं। तो इसलिए हम खाद्य विभाग ने पूरी अपनी सतर्कता बढ़ते हुए जब ये केसेस कुछ रिपोर्ट हुए थे तो सैंपलिंग की है। वहाँ पे हम फिर अपील पब्लिक से भी करना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें सेवन करते हुए वो भी साफ़ सफाई और अन्य क्वालिटी का ध्यान अवश्य रखें, कि कोई चीज़ अगर उनको अंदेशा मिलता भी है कि यहाँ ख़राब चीज़ मिल रही है तो उसकी सूचना भी विभाग को, खाद्य विभाग को जरूर दें। सर, जैसे सैंपल लिया जाता है उसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 15 दिन लग जाते हैं, 15 दिनों के बाद ही प्यास या फेल की उसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन इन बिटवीन क्या वो उस खाद्य पदार्थ को जिसकी वो सैंपल लिया गया, क्या वो उसको बेच सकता है या नहीं बेच सकता? देखिए, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो तब तक तो उसके ऊपर कोई ऐसी बाध्य नहीं होता है, लेकिन कहीं जब जिस तरह के अभी केसेस हुए हैं तो, और जहाँ पे विभाग को, खाद्य विभाग को ये लगता है कि इसमें ख़राब होने की अंदेशा है उनको, उसको फिजिकली जो तो उसको डिस्ट्रॉय ऑन द स्पॉट भी करवाया जाता है। सर, ऐसे दुकानदार जो मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे दुकानदारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि ये इससे बड़ा अपराध नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट के द्वारा इतना संभव प्रयत्न किया जा रहा है कि साफ़ सफाई का और स्वच्छता का, हर चीज़ में स्वच्छता की बात हम करते हैं, तो अगर हम इसमें जानबूझ के मुनाफाखोरी के लिए अगर मिलावट बढ़ते हैं जिससे कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो, तो इससे बड़ा अपराध नहीं है। ये है सब डॉक्टर योगेश शर्मा हमारे साथ, जिन्होंने हमें विस्तार से पूरी जानकारी दी कोरोना के बारे में, डेंगू के बारे में और खाद्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपल के बारे में। इन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिसका सैंपल फेल पाया जाता है उसके खिलाफ FIR दर्ज भी होती है और सजा का प्रावधान भी है, इसके अलावा जुर्माने का प्रावधान भी है। और इन्होंने सख्त संदेश ये भी जारी कर दिया है कि यदि कोई भी दुकानदार मुनाफे के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करेगा तो उसे किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा लोगों से भी अपील है कि वह सामान खरीदते समय साफ सफाई दुकान में क्या साफ सफाई है उसकी जानकारी हासिल करें, वहाँ पर सामान खरीदते समय जगह को देखें, वहाँ की व्यवस्था को देखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीज़न अब स्टार्ट हो चुका है, जिसके अलावा बाज़ारों में अब और ज़्यादा भीड़ होनी शुरू हो जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालना ना होने की संभावना पूरी जोरों पर है। इन्होंने फिर अपील लोगों से की है कि वे अपनी सेहत का स्वयं ध्यान रखें, स्वास्थ्य विभाग सदा उनकी सेहत के लिए तत्पर है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के लिए, सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।